सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन टेस्ट के बारे में। सो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपडेट है जो अभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगर CUET को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नया है तो हमारे एजुकेस्ट को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वन नेशन वन टेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पिछले साल आप सभी को पता है कि CUET को लेकर इतना ज़्यादा प्लानिंग हुआ, कमेटीज बनी, और फिर इस साल CUET आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके पीछे एक कोर रीज़न दिया गया कि देश में अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना था तो आपको उसका पर्टिकुलर एक टेस्ट देना होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना था तो उसके लिए अलग टेस्ट, DU के लिए अलग और JNU के लिए अलग आपको टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन इस साल क्या कर दिया गया कि एक ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया गया, और इसके मार्क्स के बेसिस पर ही आप सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब आपको डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इस साल से आपका CUET एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का यहां पे ये भी प्लान है कि जो आपके टॉप एग्जाम्स है, टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि JEE हो गया, नीट हो गया, इनको CUET के साथ मर्ज कर दिया जाए। इसके पीछे एक रीजन दिया जा रहा है कि जो JEE है और आपका नीट एग्जाम है, उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चे ऑलरेडी इन एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर अपना टेस्ट देते हैं इन सब्जेक्ट्स का, और फिर CUET के अंदर भी उनको ये टेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि क्यों ना सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे बनाया जाए और उसके थ्रू ही बच्चों को यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और IITs में और आपका जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन दिया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिया जाए। सो ये एक मेथड जो है वो गवर्नमेंट लेकर आना चाह रही है। बाकी एक और आपके लिए अपडेट है कि अभी कमेटी जो है वो फॉर्म करी गई है UGC की तरफ से और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। फिर ये कमेटी जो है वो आपको रिकमेंडेशन देगी अपनी, और उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि क्या देश को यहाँ पे वन नेशन वन टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। और देखिए, लागू होने के बाद, रिकमेंडेशन आने के बाद उसके ऊपर डिबेट होगी और तभी पता चल पाएगा कि ये बच्चों के लिए सही है या गलत है। अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप जनरल पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो कुछ मिक्स सा आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे CUET को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं कि CUET अब से आपका साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि ये पहले भी बात हो रही थी कि CUET साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन मेरे ओपिनियन में CUET साल में दो बार कंडक्ट होना इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के ऊपर से बर्डन कम करेगा। बाकी दोस्तों, आप अगर CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा एजुकेस्ट का CUET प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाती है और बहुत सारी फैसिलिटीज जो है हमारी एजुकेस्ट की टीम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।